Sponsored by Sri Nataraj Oils. Pure Edible Oils. सड़क की बदहाली के खिलाफ आक्रोश। धारचूला नगर के प्रमुख आंतरिक मोटर सड़कों की बदहाली से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। आक्रोशित महिलाओं ने महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग से शीघ्र इन सड़कों को ठीक करने की मांग की है। क्षेत्र की कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं ने सरकार तथा लोक निर्माण विभाग पर सीमांत क्षेत्र की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, धारचूला नगर के प्रवेश द्वार से मल्ली बाजार, गांधी चौक, पटेल चौक सड़क बदहाल है और कई बाइक सवार दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। नवभारत समाचार पिथौरागढ़ धारचूला से त्रिभुवन जोशी की रिपोर्ट। धारचूला नगर की आंतरिक सड़कों में गड्ढों से परेशान जनता की समस्या को लेकर आज आपने पीडब्ल्यूडी में मुलाकात की अधिकारियों से, इस संबंध में बताइए आपकी क्या मांग है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ही धारचूला नगर पालिका के अंदर गेट से हम लोग एंटर करते हैं तो वहाँ पे रोड इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितने हादसे होते हैं यहाँ पे, हर दिन के हादसे यहाँ पे होते जा रहे हैं। तो जिस प्रकार नगर पालिका में जाके बातें रखी तो नगर पालिका अध्यक्ष ने बोला कि हस्तांतरण करें वो हमें नगर पालिका को, तो पीडब्ल्यूडी तो हम काम शुरू कर देंगे। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में आए तो पीडब्ल्यूडी कह रही है कि अगर नगर पालिका लिख के दे तो फिर हम लोग काम शुरू करेंगे। तो दोनों विभागों के खेल में, विभागों के ये टकराव में समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। आम जनता इतनी परेशान है। एक साल पहले हम लोगों ने, सारी महिलाओं ने, ग्वालगांव से लेकर गेट से लेकर यहाँ बहुत सारे हमने गड्ढे भरे और उसके साथ साथ भी 3 या 4 बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया और जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे हम लोगों ने पेड़ पौधे भी बो के देख लिया। तो हम लोग किससे ये बातें करें और क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। ये विभाग वाले किसको इल्जाम दे रहे हैं? अगर विभाग वालों को नहीं करना है तो आम जनता को सड़क बता दें विभाग वाले कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आम जनता इसको भरने के लिए तैयार है और सारे गड्ढे भी भरेंगे और थोड़ा सा सुंदर भी हो जाएगा। जहाँ पे इतने हादसे हो रहे हैं कुछ हादसे रुक जाएंगे। आज आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है तो ये सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा विभागों को। आज सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। जिस प्रकार विभागों की वजह से और सरकार की वजह से आज यहाँ पे न सड़क के गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना नालियाँ सही हो रही हैं, पूरे घरों में और दुकानों में पानी जा रहा है, हर बरसात में अंदर पूरा पानी भर जा रहा है। अगर जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई नहीं होती है, जल्दी से जल्दी अगर गड्ढे नहीं भरे जाते हैं नगर पालिका के अंदर, तो महिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी और हर हद पार करने की कोशिश करके काम करेगी, क्योंकि आज बहुत आक्रोशित है सारी जनता, सारी महिलाएं बहुत परेशान है, सारी जनता परेशान है। नगर पालिका के अंदर जितने लोग हैं सारे लोग हर दिन विवाद पे विवाद करते हैं, हर दिन हमसे क्वेश्चन करते हैं, सभी लोग पूछते हैं कि आप लोग कुछ क्यों नहीं करते हैं। आज सोशल मीडिया पे हर जगह पे बात कर रहे हैं कि आप लोग इस पर क्यों नहीं कोई बात रखते हैं, तो हम बातें रख रहे हैं। तो विभाग वाले आपने अपनी मन गणत बहाने कर रहे हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। सारा सिस्टम हमने लाया है, पूरी कांग्रेस की सारी महिलाएं आई हैं, तो आपको मैं ये बताना चाह रही थी, जिस हिसाब से अभी हम लोगों ने बार बार, कितने बार धरना प्रदर्शन, कितने बार हम सड़कों पे बैठ चुके हैं, कितने बार हमने गड्ढे खुद भर चुके हैं ना, हम लोग सारी महिलाओं ने भी इससे पहले, एक साल पहले, राखी के पहले दिन हमने गड्ढे भरे, आपको याद होगा।